अब हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका हाँ आपके टीजर में और ट्रेलर में आपका छोटे छोटे क्लिप्स देखे बट आर कमांडिंग स्क्रीन वेरी अभी फिल्म नहीं देखी आ, <laughs> अभी फिल्म नहीं देखी हाँ, लेकिन जबरदस्त तो है you, हाँ। जित, ट्रेलर ऑफ जट का जट इट्स और मैंने जितने क्लिप्स देखे हैं फिल्म के

It happened that he gave me me the narration in Amara's house hmm. when me and Amara were working together, hmm. right? So uh, 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 hmm. पराठा खा रही थी मुझे याद है मेरी टांग पे चोट लगी हुई थी और hmm. मैं अर्थ कर रही थी तो मेरी ऐसी रखी हुई थी और अमारा भी खा रही थी और हम कहते वाहन hmm. सुनाता ना अपनी hmm. आवाज के साथ yeah. के Yeah. That. So, but that's it. Cut to I got to know, um, kafi that Amara is producing it now. Yeah. You know, because uh, and I think it was a very good decision hmm. because um, um, you know, having a Pakistani producer hmm. uh, being in our country, shooting in our country, it helps. You know, because we understand of all course. the yeah. So um, ये हुआ उसके बाद हमारा प्रोड्यूसर हो गई और बिलाल डायरेक्टर थे hmm. और मैं, मैं ही रही hmm. तो ये स्टोरी बिल्कुल हटके hmm. रीबूट है hmm. जो कि हमें बिलाल ने बताया कि रीबूट है इट्स नॉट्रिएशन hmm. hmm. uh, hmm. या वो नहीं है तो क्या है दारो का कैरेक्टर Uh, दारो का कैरेक्टर क्या है दारो एक ऐसी लड़की है जो कि uh, मर्दों की फैमिली में पैदा हुई है hmm. uh, सारे मर्द लड़की है hmm. तो सबसे पहले तो ट्विस्ट ये है कि वो कैसे है, hmm. जिंदा कैसे है hmm. अभी तक कोई ना कोई तो उसके पीछे वजह होगी hmm. वजह ये है कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है hmm. उसके भाई की एक ही कमजोरी है और वो है दारो नूरी नथ की कमजोरी कोई नहीं है hmm. उसकी सिर्फ और सिर्फ दारो कमजोरी है और दारो की ताकत कोई नहीं है सिर्फ नूरी नत है तो मुझे हो गोसम ये बात बोलते हुए मुझे याद आ गया है है फिरोज खान तो तो एक्चुअली um, um, वो वो um, तो उन दोनों की एक वो है, और उसी तरह से उसको ट्रेन किया गया है उसने um, तलवारबाजी सीखी हुई है उसने घोड़सवारी सीखी हुई है हॉर्स राइडिंग सीखी हुई है वो किसी मर्द से कम नहीं है उसमें गुरूर है उसमें प्राइड है उसमें इज्जत है उसमें चाव है उसमें भी भी है, वो भी है, वो फायर है, वो 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 फायर एक जगह बंद कर नो नहीं। सो so, दारो इज पटाखो मैं सोच रही हूँ आपसे बेहतर कौन करता है ये रोल कौन करता कौन करता है ऐसे कैरेक्टर्स टीवी लिखे जा रहे मजे की बात है क्या टी टीवी की औरत औरत कितनी मजलूम क्यों क्यों है है और फिल्म की इतनी फायरी की अच्छा मैंने ना अभी रिसेंटली मैंने एक प्ले छोड़ा मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन आ, मैंने एक, एक मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया है उसका नाम है जिंदो आ, जो कि अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया हुँ. है एंड आई एम प्लेइंग जिंदो वो इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी हुई है इतनी स्ट्रॉ इतनी प्यारी स्टोरी लिखी हुई है कि मैं प्राउड होती हूँ कि ऐसे डायरेक्टर्स पे ऐसे राइटर्स पे जो ऐसी चीजों को भी सामने लाते हैं hmm. और पैसा लगाते हैं हिम्मत करते हैं कि ये दिखाएं hmm. um, इसी इसी के साथ मैं एक और प्ले कर रही थी जो कि मैंने तीन दिन शूट करके छोड़ा और मैं 6 महीने से उनको मना कर रही थी कि मुझे मत ले मुझे मत ले मुझे मत ले लेकिन यू um, नो uh, वो कहते हैं ना कि आई हैव जस्ट लर्न टू टू आई हैव जस्ट लर्न दिस आर्ट ऑफ सेइंग नो नहीं नहीं ऐसी खैर नहीं नहीं ऐसी बिल्कुल तो मैंने जब जिंदो से मैं वापस आई रेगिस्तान में शूट किया तीन महीने के लिए इतने करोड़ पैसा उसके ऊपर लगा नेपा के स्टूडेंट्स थे एक ऐसी लड़की है जो कि पहले उसकी अपनी उम्र से बड़े आदमी से शादी हो जाती है फिर उस एक ऐसे गांव गोट में जाती है जहाँ पर शादी की रात से पहले उसको उस गोट के जो सरबरा है उसके साथ वो उसका रेप करता है फिर वो आ, उसके माँ बाप मर जाते हैं अपने बहन भाइयों को पालती है उसके बाद वो एक पीरनी बन जाती है उसके बाद वो एक पूरी गैंग बनाती है औरतों को तलवारबाजी सिखाती है शूटिंग सिखाती है और फिर जाकर वो बदला लेती है और फिर वो हिस्ट्री अपने गाँव की बदलती है देखिए ये भी एक ड्रामा है हाँ। ठीक है बजाय आप लोग ये दिखाएं कि भाभी को किससे भाभी को देवर से प्यार हो गया देवर को जिठानी से प्यार हो गया सास ने बहू को थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया मतलब वॉट इज दिस राइट मैंने जो प्रोजेक्ट साइन किया था और फिर मैंने वो छोड़ा आ, कसम से आमना मैं सेट पे गई हूँ hmm. पूरा दिन डाइनिंग टेबल के सीन होते रहे hmm. बहुत बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें hmm. बहुत बड़े बड़े सही है और उन्होंने मुझे बताया कि आप यूँ बैठी नहीं है वो ही अंडे आ रहे थे हर मिनट बाद। मतलब पूरा दिन डाइनिंग टेबल सीन्स थे। नहीं हो सकता जो ड्रामे हमारे आजकल बन रहे है। oh, mama, do you think कि के अलग है और फिल्म का अलग होता है या एक अच्छा एक्टर दोनों जगह काम कर सकता है एक अच्छा एक्टर दोनों जगह काम कर सकता है लेकिन टीवी का फ्रेम ये होता है और फिल्म का फ्रेम ये होता है क्योंकि मुझे लगता है कि you are made for the big screen. मुझसे और बहुत कम लोग हैं मुझे, मुझे मुझे वो काम नहीं होता लिया मतलब कोई भी इसमें हो चाहे कुछ भी हो आप परेशान हो जाएंगे मुझसे मत कराएं खुदा के लिए छोड़ दें जाने दें मुझे क्योंकि मैं पूरा दिन आऊ और सिर्फ डाइनिंग टेबल सीन्स कर रही हूँ और हर बात पे मुंह बन रहा है रिएक्शन एक्सप्रेशन आई